पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आज की कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां पर विद्रोही यानी पूर्वा के पापा अपने दोस्त गुरु के पापा को फोन करते हैं, जो काफी रिच है। विद्रोही पूर्वा की किडनैपिंग के बारे सारी बातें बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इसके बाद गुरु को पूर्वा के किडनैप होने की खबर मिलती है, जिसे सुनते ही वह गुस्सा और दुखी होता है। इसके बाद पूर्वा को ढूंढने के लिए गुरु के पापा उसे इंडिया भेज देते हैं। साथ में दो लोग और जाते हैं जो फाइट और टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे हैं। इधर धर्मेश की लाश अभी भी शिखा के कमरे में है। तभी शिखा विक्रांत को बताती है कि धर्मेश कल रात आया था और आते ही मुझ पर गोली चलाने लगा। तभी शिखा की माँ ने डर के मारे ऊपर से उसके ऊपर गमला गिरा दिया, जिस वजह से धर्मेश की मौत हो गई थी। तब से वह यहीं बाथरूम में पड़ा है। विक्रांत धर्मेश को डंडे की मदद से जगाने की कोशिश करता है कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है, मगर धर्मेश के रिस्पॉन्स ना देने पर शिखा और विक्रांत को थोड़ा सुकून मिलता है। इधर पूर्वा को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस के पीछे पीछे किडनैपर भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। किडनैपर को पूर्वा की बात उसके पापा से करानी है, वो भी 4 बजे, इसलिए किडनैपर ज्यादा घबरा रखे होते हैं। इधर विक्रांत शिखा से पूछता है कि तुम्हारे घर के बाहर इतनी पुलिस क्यों है। तब शिखा बताती है कि इससे हमारी शादी हो चुकी है, अखिल वह पुलिस में है। शादी हो चुकी है सुनकर विक्रांत भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे दुनिया से लड़ रहा हूँ और तुम शादी कर चुकी हो। तब शिखा कहती है कि तुमने पूर्वा से शादी क्यों की, तुमसे दूर जाने के लिए मैंने एक अजनबी से शादी कर ली। जैसे ही शिखा यह कहती है कि तुम क्या चाहते थे कि तुम पूर्वा को मार दो और हम एक खूनी के साथ अपनी जिंदगी बिताएं। यह सुनकर विक्रांत कहता है कि पूर्वा को मरना होगा, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। यह सब बातें धर्मेश बेहोशी की हालत में सुनता रहता है। तब हमें पता लगता है कि वह जिंदा है। तभी विक्रांत का फोन बजता है और फोन पूर्वा के पापा का होता है। वह पूछते हैं धर्मेश मिला कि नहीं, मगर विक्रांत कहता है नहीं मिला। तभी विद्रोही कहते हैं कि पैसे की पर्ची धर्मेश के पास है, पैसे तभी मिलेंगे जब धर्मेश मिलेगा। फोन यहाँ पर कट हो जाता है। पर्ची ढूंढने के लिए विक्रांत धर्मेश की जेब ठठोलता है, मगर तभी धर्मेश विक्रांत को धक्का मारता है और शिखा को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है चाचा को फोन लगा, यानी पूर्वा के पापा को। विक्रांत दूसरे ऐप से कॉल करता है, जिसमें विक्रांत का नंबर शो नहीं करता बल्कि कोई और नंबर शो करता है, मगर धर्मेश कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता और फोन कट हो जाता है। इधर किडनैपर पुलिस को धक्का देकर पूर्वा के रूम में घुस जाते हैं, मगर वहाँ पूर्वा नहीं होती बल्कि खिड़की से बाहर निकलकर दीवार के पीछे छुपी होती है। इधर गुरु पूर्वा और विक्रांत और शिखा की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, ब्लास्ट और किडनैपिंग का डाटा देखता है। इधर विक्रांत धर्मेश को मार देता है, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके एक टोकरे में रख कर गाड़ी में रखवा देता है शिखा के फादर की मदद से, और धर्मेश की गर्दन को बैग में भर लेता है। गुरु को डोली यानी शिखा का एड्रेस भेज दिया जाता है, जहां उसे विक्रांत मिलेगा। विक्रांत अखिल से मिलकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। दूसरी कार में शिखा के पापा होते हैं। थोड़ी देर बाद शिखा की शादी में गुरु पहुंच जाता है, जहां पर विक्रांत का दोस्त उसे मिलता है। इधर विक्रांत धर्मेश के सारे टुकड़े नदी में गिरा देता है और वहां से शिखा के पापा चले जाते हैं। और तब विक्रांत सोचता है एक आदमी किस हद तक गुजर सकता है। जैसे ही विक्रांत धर्मेश का सर गेरने वाला होता है, तभी वहां पर गुरु पहुंच जाता है। विक्रांत गुरु को दूर से देखकर बैग बंद कर देता है। गुरु विक्रांत के पास आता ही विक्रांत का फोन अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लेता है, ताकि किडनैपर की इंफॉर्मेशन गुरु को मिलती रहे। इसके बाद गुरु अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी विक्रांत के नंबर पर किसी का फोन आता है और वह फोन असल में पूर्वा का होता है। पूर्वा घबरा रखी होती है और विक्रांत से मदद मांग रही होती है, और यहीं पर ये काली काली आंखें सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।